दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिंगापुर में जॉब्स और सैलरी को लेकर के। जी हाँ, बहुत लोगों का मन में ये असमंजस रहता है कि क्या सिंगापुर जाना सही रहेगा, और अगर आप एज ए जॉब सीकर अगर आप इंडियन हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, श्रीलंकन हैं, चाहे और किसी भी रीजन से हो दोस्तों, आप अगर आप सिंगापुर जाते हैं तो ना सिर्फ आपके पास एक अच्छा नौकरी होता है बल्कि सैलरी भी बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ठीक है, अगर हम बात करें सिंगापुर का दोस्तों, तो सिंगापुर एकदम क्लीनेस्ट सिटी है, ग्रीनेस्ट सिटी है, एकदम छोटा सा है, लेकिन पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी दोस्तों को कंट्रोल करता है। आप जब सिंगापुर जाएंगे तो ऐसा कोई कंपनी नहीं होगा जिसका हेडक्वार्टर आपको सिंगापुर में देखने को मिलेगा, मतलब इंटरनेशनल कंपनीज, सारे इंटरनेशनल कंपनीज का हेडक्वार्टर्स आपको सिंगापुर में देखने को मिलता है। छोटा कंट्री होने के बावजूद भी ये एक इकोनॉमिकल हब बन चुका है दोस्त, और जहां पर इतना बड़ा बड़ा कंपनी है तो जाहिर से बात है वहां हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म का डिमांड होना लाजमी है। और अगर आप होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं, होटल मैनेजमेंट करके अगर आप सिंगापुर जाके जॉब करना चाहते हैं या सिंगापुर में जाके पढ़ाई करके वहीं पर जॉब करना चाहते हैं, तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सिंगापुर में क्या क्या जॉब्स अवेलेबल हर दम रहता है और कौन कौन सा वीजा आपको हर दम मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपका स्वागत करता हूँ आज का एक नया वीडियो में। आप देख रहे हैं लावण्या ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूं देश विदेश का जॉब्स और एजुकेशन को लेकर के। शुरू करते हैं दोस्तों अगर आप होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं तो आपके लिए फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, सर्विस, फूड प्रोडक्शन, ये चारों डिपार्टमेंट का वैकेंसीज हर समय रहता है। ठीक है, और आज मैं आपको सैलरी बताऊंगा, इनकम बताऊंगा कि कितना इनकम हो सकता है और आप कितना सेविंग कर सकते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलता है। बाद में आप सोचिएगा कि क्या आपको सिंगापुर जाना चाहिए या नहीं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फ्रंट ऑफिस का। तो हाँ, बहुत ज्यादा डिमांड रहता है, सैलरी भी यहाँ पर मोर देन 1,20,000 से 1,40,000 के बीच होता है शुरुआती जॉब का। ठीक है, अगर हम बात करें F&B सर्विस का, तो F&B सर्विस में दोस्तों आपका सैलरी लगभग 1,20,000 से 1,40,000, साथ ही साथ आपको टिप्स, सर्विस चार्ज मिलता है, एकोमोडेशन नहीं मिलता है, कुछ कंपनी एकोमोडेशन नहीं देते हैं और बहुत कंपनी देते भी हैं होटल इंडस्ट्री में, फूड हर कंपनी प्रोवाइड करती है। हाउसकीपिंग में दोस्तों आप होटल में जा सकते हैं और हॉस्पिटल में जा सकते हैं। हॉस्पिटल में अगर जाते हैं, होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं तो एज ए सुपरवाइजर जाते हैं, अगर होटल में जाएंगे दोस्तों तो एज ए हाउसकीपिंग अटेंडेंट आप जाते हैं। सैलरी दोनों जगह सेम होता है, चाहे आप हॉस्पिटल में जाएं चाहे आप होटल में जाएं। होटल में सैलरी दोस्तों 1,20,000 से 1,40,000 होता है महीने का, और बात करें हॉस्पिटल का तो वहां भी 1,20,000 से लेकर 1,40,000 रुपये प्रतिमा होता है। इसके अलावा आपको रहने और खाने का हॉस्पिटल प्रोवाइड करती है, लेकिन होटल जो है रहना तो नहीं देता, आपको खाना कंपनी तरफ से होता है। बात करें किचन का दोस्तों, तो किचन तो क्या ही कहें, किचन भी सैलरी अच्छा खासा हो जाता है, और जो सेंट्रल टिप होता है यहां पर शेफ को भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको मतलब टिप्स कहां से मिलेगा। ठीक है, तो जो जैसे अदर डिपार्टमेंट लोगों को मिलता है टिप्स दोस्तों, उसी में से ही शेयरिंग किचन को भी आता है, अगर आप रेस्टोरेंट में काम करें या फिर होटल में भी काम करें तो। ठीक है, अब सोच लीजिएगा आप कि क्या आपको सिंगापुर जाके जॉब करना चाहिए। अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सोचते हैं कि नहीं, सिंगापुर इज नॉट द राइट प्लेस टू गो एंड वर्क, देन ऑल्सो अगर आपको लगता है कि सिंगापुर एक अच्छा जगह नहीं है काम करने का, तब भी आप अपना कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कारण के साथ में कि क्यों नहीं जाना चाहिए। शायद ये बातें बहुत लोगों को हेल्प हो सकता है। अब बात करें दोस्तों कि खर्चा कितना होता है। इसमें बहुत लोगों का डाउट रहता है कि अगर हम सिंगापुर जाते हैं तो कितना रुपया खर्चा होता है। ठीक है, बात करें चाहे वर्क परमिट हो चाहे एस पास हो दोस्तों, मिनिमम 3.5 साल से मिनिमम
ढाई लाख से लेके 5 लाख रुपए तक खर्चा होता है, वो डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर, आपका एजेंसी के ऊपर, आप जहां से जा रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना चार्ज कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, करीब करीब 2.5 लाख से लेके 4 लाख 5 लाख तक खर्चा हो ही जाता है, क्योंकि वहाँ सैलरी अच्छा होता है। लेकिन जब आप जाते हैं दोस्तों, जाने से पहले प्रॉपर टटोल लीजिएगा, रिसर्च कर लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद ही डिसीजन लीजिएगा, ओके। और वहां पर खर्चा की बात करें दोस्तों, तो खर्चा ज्यादा कुछ नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा $400 से $500 ही खर्चा होता है। आप अगर सेविंग करना चाहें तो आराम से $1500 से $1700 हर मंथ आप सेव कर सकते हैं। मैं जो डॉलर जो बोल रहा हूँ वो सिंगापुरियन डॉलर है दोस्तों, नॉट यूएस डॉलर, ठीक है, क्योंकि यूएस डॉलर और सिंगापुर डॉलर में 20-25 रुपए का तफात डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो गलती से आप यूएस डॉलर में कैलकुलेशन मत कर लीजिएगा, ओके। तो ये था डिटेल्स सिंगापुर को लेकर के। अगर आप सिंगापुर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर जॉब के लिए चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आई विल गाइड यू हाउ टू प्रोसीड फर्दर, ठीक है। एप्लीकेशन कैसे किया जाता है, जॉब कैसे लिया जाता है और वीजा कैसे अप्लाई किया जाता है। और दोस्तों मैंने जितना भी जॉब आई बताया, इसके अलावा एक और जॉब को बहुत ज्यादा डिमांड होता है वहां पर, डिशवाशर का। जी हाँ, अगर आप केएसटी में है, किचन स्टीवर्डिंग डिपार्टमेंट से अगर बिलोंग करते हैं आप, तो किचन स्टीवर्डिंग डिपार्टमेंट का बहुत ज्यादा डिमांड रहता है सिंगापुर में, ठीक है। सिंगापुर जाने का एक और कारण है दोस्तों, एक इंग्लिश कंट्री है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, जहां पर आप अच्छा खासा इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। अगर एक बार आपने सीख गए इंग्लिश बोलना तो आप जानते हैं कि आप वर्ल्ड में कहीं भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और सिंगापुर जाने के बाद मैंने जितना देखा, मेरा जो एक्सपीरियंस, जितने लोग गए हैं, ठीक है, अरे उनका इंग्लिश तो क्या बोलो, पहले जो नॉर्मल लोग जानते थे इंग्लिश, लेकिन अब उनका फ्लुएंसी अमेजिंग, ठीक है। तो माहौल डिपेंड करता है ना कि भाई आप किस माहौल में रहते हो, कैसे रहते हो और क्या लैंग्वेज में बात कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक लोग सीख ही जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे देखिए इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।